अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? होप्स हो सब फाइन शाइन होंगे और एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है ओरिफ्लेम का डिलीवरी सिस्टम। बहुत सारे मेंबर्स को यही बात नहीं पता होती कि ओरिफ्लेम हमें डिलीवरी सिस्टम के लिए कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो आज हम इस टॉपिक पर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ओरिफ्लेम में डिलीवरी सिस्टम क्या है। ओरिफ्लेम में डिलीवरी सिस्टम में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वेब इमीडिएट ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारे किन मेंबर्स के लिए होता है? एज वी ऑल नो कि ओरिफ्लेम की मेन हेड ब्रांचेस लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद में अवेलेबल है। अब ऐसे बहुत सारे मेंबर्स जो लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद में ही रहते हैं और वो अपना पार्सल ऑफिस से सेल्फ पिक करना चाहते हैं या खुद कलेक्ट करना चाहते हैं और इमीडिएट पेमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास वेब इमीडिएट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि वेब इमीडिएट का ऑर्डर हम किस तरीके से पंच करते हैं। जी, जब आप अपने ऑर्डर के कोड्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है डिलीवरी का। यहाँ हमें अपनी ऑप्शन सेलेक्ट होती है वेब इमीडिएट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट रो में सेलेक्ट करते हैं ओरिफ्लेम और पिक पॉइंट में से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें कराची एरिया अपना पार्सल कराची से अपना पार्सल रिसीव करना है तो हम वेब इमीडिएट कहीं के एच आई को सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमें लाहौर से अपना पार्सल करना है तो वेब इमीडिएट लाहौर एच आर को सिलेक्ट करें और कंफर्म कर लेंगे। इस तरह से आप खुद पार्सल जाकर रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सी ओ डी। ऑप्शन टू हमारे पास आ गया है डिलीवरी सिस्टम में सी ओ डी। सी ओ डी क्या चीज़ है? सी ओ डी इज़ द एब्रीविएशन ऑफ कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम। इसमें ये होता है कि आपको होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, आप राइडर को पेमेंट करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी आपका पार्सल आपके पास आ जाता है। जब राइडर आपके घर आपका पार्सल लेकर आता है तो आपकी पेमेंट ले जाता है और ले जाकर कंपनी में वो क्लियर करवा देता है। अब हम देखते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी के लिए हमारे पास कौन कौन से एरियाज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पर कंपनी ने कुछ एरियाज़ मेंशन कर दिए हैं लाहौर रीजन एंड कराची रीजन के किन किन एरियाज़ में हमारी कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब जो एरियाज़ कंपनी ने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जस्ट इन्हीं एरियाज़ में कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस अवेलेबल है, बाकी ऑल एरियाज़ में आप कोरियर ऑर्डर पंच करते हैं, यानी यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। जी, अब देखते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी के लिए हम ऑर्डर किस तरीके पंच करते हैं। अपने कोड ऑर्डर ऐड करने के बाद जब आप ऑप्शन डिलीवरी पर आते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन में से होम डिलीवरी को सिलेक्ट करेंगे और सेकंड ऑप्शन में से आप यहाँ पर देखेंगे आपको हो रही है जिसमें बहुत सारे सिटीज मेंशन हैं। अगर तो आपका सिटी यहाँ शो हो रहा है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगी। सिलेक्ट किस तरह से करेंगी? ये देखें, सिंगल ऑर्डर के एच आई कोड मीन्स ये कराची वालों के लिए फैसिलिटी है कैश ऑन डिलीवरी की। उसके बाद आरबी कोड को मैंने तो ये डबल पेंटी कोड का मैंने एक ऑर्डर किया, लेकिन आप देखें कि नीचे जो मेरा एड्रेस हो रहा है वो सादिकाबाद का है और मैंने रावलपिंडी कोड को सिलेक्ट किया है, तो इट्स कि अब मुझे अपना एड्रेस भी कलेक्ट करना है। मुझे एक ऑनलाइन कस्टमर को ऑर्डर करना है, मैं न्यू एड्रेस ऐड करूँगी, यहाँ पर हाउस नंबर एंड एरिया में करूँगी, यहाँ पर ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट नंबर और सिटी विद तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट ऐड करूँगी। यहाँ पर जैसे ही मैं अपना सिटी सेलेक्ट करती हूँ रावलपिंडी, ये देखें ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ शो हो रहा है। इसको मैंने सेलेक्ट तो पोस्टल कोड हमारा और फेच हो जाता है।
हमारा पोस्टल कोड भी ऑटो फैच हो गया, यहाँ रिसीवर फोन नंबर देंगे और इस तरीके से हमारा कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर पंच हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक, डिलीवरी सिस्टम कोरियर की तरफ। अब कोरियर क्या है? बहुत से ऐसे एरियाज जहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर हमारे पार्सल्स बाय कोरियर जाते हैं। बाय कोरियर में ये सिस्टम होता है कि आपको एडवांस पेमेंट करनी होती है, आपकी बैंक पेमेंट के बाद ही आपका पार्सल कंपनी से डिस्पैच होता है। अब आप ये पेमेंट किन किन तरीकों से कर सकते हैं, हम उन पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है, आप अपनी जैस कैश ऐप के थ्रू या किसी भी जैस कैश अकाउंट से बैंक पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हम किस तरह से करते हैं इसको हम देखते हैं जी। ये देखें, जब हमने अपनी जैस कैश ऐप को यूज़ करते हुए मनी ट्रांसफ़र की है तो यहाँ पर हमने हमें ये ऊपर वाला मैसेज आया है, ठीक है। इसको हमने मनी ट्रांसफ़र करने के बाद कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में वेरीफाई करवाना होता है। अब ये ओरी पेमेंट जो है कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का नंबर है, जहां पर मैंने अपनी स्लिप को वेरीफाई करवाया है वहां से विद माय कंसल्टेंट नंबर, ठीक है। और कंपनी की तरफ से रिप्लाई भी आ गया कि आपकी स्लिप्स रिसीव हो चुकी हैं, इट मीन्स कि मेरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो चुकी है। बहुत से लोग जैस कैश ऐप नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, वो कीपैड के थ्रू अपना बाय डायलिंग *786# डायल करके जैस कैश पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उनको इस टाइप के मैसेजेस रिसीव होते हैं। सेम यही प्रोसीजर इजी पैसा यूज़ करने वालों के लिए भी होता है। जब वो पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो या तो लास्ट वाली स्क्रीन की तरह उनको एक स्क्रीनशॉट रिसीव होता है या इसलिए मैसेज रिसीव होता है। दोनों ही तरीके से आप जैस कैश और इजी पैसा में पेमेंट करवा सकते हैं। इनको इस तरीके से ओरी पेमेंट के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में वेरीफाई करवाया जाता है विद कंसल्टेंट नंबर एंड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, और फिर कंपनी से आपको नीचे वाला रिप्लाई भी आ जाता है जी। व्यूअर्स, जैस कैश और इजी पैसा दोनों को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, होप सो। इसके बाद हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट बैंक पेमेंट किस तरह से करते हैं। अगर आप कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ट्रांसफ़र करने के बाद आपको सेम उसी तरीके से उसको वेरीफाई भी करवाना होता है। वो किस तरीके से आपको शो होगा उसको भी अभी हम देखते हैं जी। व्यूअर्स, ये देखें, जब हम अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो ये एक ऑनलाइन बैंक के थ्रू मैंने पेमेंट की है और साथ में अपने विद कंसल्टेंट नंबर मैंने उसको वेरीफाई भी करवाया है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बैंक जाकर भी मैनुअल वर्किंग कर सकते हैं। वो किस तरीके से करते हैं अब हम देखते हैं जी। इधर देखें, अब ये आप बैंक जाएंगे, आपके स्पॉन्सर आपको कंपनी का अकाउंट नंबर प्रोवाइड करेंगी और आप बैंक जाकर उस अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करवाएंगे। बैंक से आपको एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप को आपने सेव कर लेना है, उसकी एक अच्छी सी क्लियर पिक्चर बनाएं और कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मींस ओरी पेमेंट के नंबर पर व्हाट्सएप कर दें विद योर कंसल्टेंट नंबर एंड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। वहां से भी अगेन आपको वही रिसीविंग मैसेज मौसूल होगा और आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपकी स्लिप जो है एक्सेप्ट हो गई है, और कंपनी की तरफ से एज अ वेरीफिकेशन आपको मैसेज भी आता है कि आपके अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है जी। व्यूअर्स, ये देखें, जब मैंने एक कोरियर ऑर्डर पंच किया तो मुझे कंपनी की तरफ से ऑर्डर पंच करने के फौरन बाद से एक मैसेज रिसीव हुआ। उसके बाद मैंने अपनी बैंक पेमेंट की और मुझे बैंक पेमेंट के लिए कंपनी की तरफ से ये सेकंड वन वाला मैसेज रिसीव हुआ, थैंक यू फॉर योर बैंक पेमेंट 2908
हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू योर ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर अकाउंट नंबर, ये मेरी अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है। और इसके बाद थर्ड मैसेज को आप गौर से देखें, इसमें कंपनी ने लिखा है डियर ब्रांड पार्टनर योर ऑर्डर इज़ पैक्ड एंड रेडी टू बी डिस्पैच्ड। ये है हमारा कोरियर सिस्टम कि पहले मैंने ऑर्डर पंच किया, मैंने ऑनलाइन पेमेंट उसकी की, उसके बाद कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आया कि मेरी अमाउंट रिसीव हो गई है कंपनी को एंड देन मेरा पार्सल डिस्पैच हो गया। तो व्यूअर्स, आज हमने बहुत एक्सप्लेनेशन से इस चीज़ को सीखा कि हम ओरिफ्लेम के डिलीवरी सिस्टम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओरिफ्लेम के डिलीवरी सिस्टम में कितनी फैसिलिटीज़ हैं। होप सो आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।